हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीता स्वैग्स। स्वैग्स करेंगे आप सभी का स्वागत। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा। और ये देखिए, मैंने अब बनाने जा रही हूँ पम्पकिन साग की सब्जी बॉइल्ड। देखिए मैंने इस तरह से ले लिए, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। जैसे इसे यहाँ पर दिखा रहे हैं वैसे ही आपको साफ़ करना है। देखिए अच्छी तरह से बारीक बारीक से, देखिए नहीं तो इसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं। इस तरह से देखिए पत्ते को निकाल निकाल के साफ करके इस तरह से साफ कर लेनी है। इसे जिस रस्सी रस्सी निकाला है इस तरह से इसे भी निकाल देनी है। जिस तरह से मैं साफ कर रही हूँ ना, इस तरह से इसे साफ करनी है। अब धो लेनी है अच्छी तरह से। ये देखिए मैं जिस तरह से मैंने धो लिया ऐसे। और मैंने कुछ चावल लिए थे, भिगो के रखे थे एक घंटे पहले, कच्ची चावल। तो उसे ग्राइंडर में ऐसे पीस लेनी है, इस तरह से पानी ऐड करके इसे पेस्ट बना लेनी है। और देखिए मैंने गर्म पानी बैठा दिए थे, इसमें आप नमक स्वाद अनुसार डालिए और मिर्ची भी स्वाद अनुसार डालिए। इस तरह से जब पानी उबाल आए तो इस साग को मैंने इस तरह से काट लिए बारीक बारीक से। इस तरह से दोनों को मिला लेनी है। देखिए जिस चावल को मैंने पीस के रखे थे ग्राइंडर पे, इसे इस तरह से मिला लेनी है। देखिए इस तरह से एक साथ मिला लेनी है इसे। इसे जो गर्म पानी उबाल आए तो उस पर डाल देनी है इस तरह से। उसके बाद फिर हिलाते रहिए इसे, इस तरह से उबाल आने तक हिलाते रहिए, नहीं तो ये चिपक जाएंगे, आटे की तरह गोल बन जाएगा। नहीं तो ये देखिए इस तरह से उबाल आने तक उसको आप चलाते रहिए, जिस तरह से हम लोग कढ़ी बनाते हैं ना, दही कढ़ी, उस तरह से हिलाते रहने। जब ये उबाल आ जाए उसके बाद उसे आप धनिया पत्ता या फिर जो मसाला पत्ता है उस सबको ऐड कर देनिए इसे। उसके बाद फिर इसे हिलाइए। ये आपका तैयार हो चुका है। इसे हिलाते रहने हैं, ये आपका तैयार है। आप इसे सूप की तरह से भी खा सकते हैं या फिर चावल के तरह से भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये पूरी तैयारी से तैयार हो चुके हैं। देखिए ये देखिए मैंने भिंडी आलू सब्जी के साथ और ये मछली की चटनी के साथ और ये सब्जी जो मैंने बनाई है। मेरी इस रेसिपी को लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मेरी चटनी वाली रेसिपीज को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिएगा। मेरी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।